हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज हमारी रसोई में बनने जा रहे हैं मशरूम और मटर। तो यहाँ हमने लिए हैं 3 पैकेट मशरूम है और ये 1 टोंगा मटर है। तो यहाँ गैस मैंने ऑन की है और गैस ऑन करने के बाद मैंने पानी बॉयल होने रख दिया है। ठीक है, पानी बॉयल हो रहा है और इसमें डालती हूँ मैं थोड़ी सी नमक। यहाँ मशरूम को मैंने गर्म पानी में डाल दिया है, गर्म पानी में थोड़ा नमक भी डाला था और इनको मैं अच्छे से धुल देती हूँ। जो मशरूम के अंदर है ये जो मशरूम के अंदर ये ब्लैक ब्लैक हो जाता है उसको हमने निकाल देना है इस तरह से। किसके ये पूरा साफ हो गया, इसको आधे घंटे में उबलने दूंगी और आधे घंटे में मटर ये दोनों उबल के अच्छे से हो जाएंगे। तब तक के लिए मसाला रेडी कर लेती हूँ। मटर और मशरूम उबल गए हैं। इनके उबलने का ये पता होता है कि ये दबने लगा। ये देखिएगा, दब गया ना आसानी से, तो समझ लो ये उबल गया है। लहसुन, प्याज, अदरक और हरी मिर्च इनको बढ़िया से पीस लेते हैं। सिर पे बचा हुआ ये जो होता है इसका टेस्ट अलग ही आता है। मसाला पीस गया है, इसको प्लेट में कर लेती हूँ। ये कढ़ाई भी हमारी गर्म हो गई है और इसमें डाल देते हैं तेल। इसमें थोड़ा सा मशरूम में चिकनाई थोड़ी सी अच्छी डाली जाती है। हींग डालते हैं, आज चलते हैं मंडी और लाल मिर्च लाते हैं ना, लाल मिर्च का अचार डालते हैं। और कमेंट करके बताना किस किस को चाहिए लाल मिर्च की अचार की रेसिपी, क्योंकि इतना अच्छा अचार बनता है कि आप स्टोर करके पूरे साल खा सकते हो। अब ये प्याज हमारी ब्राउन हो गई है तो यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन, प्याज का पेस्ट और बनाया है मैंने और हरी मिर्च इसको मैं डाल देती हूँ यहाँ पे। अभी मैं पानी का यूज नहीं करूंगी, बाद में डालूंगी इसको घोल के। ज्यादा है ये भाई दूज के गोले सबके घर में रखे होंगे। हल्का पतला पतला काटे, मिक्सी में ग्राइंड करें और मेरी तरह मशरूम बनाए। अब हमने इसको यहाँ भूनना है अच्छे से। ये मैंने 4 टमाटर पहले इनको उबाल दिया है, उबाल के ठंडा करके जब इनको मैंने पीसा है, अब मैं इनको यहीं पर डाल देती हूँ। थोड़ा सा पानी डालूंगी इसको भूनने के लिए और यहीं पर डालूंगी थोड़ा सा नमक ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। गला हुआ तो है ही और अच्छा हो जाएगा। और जीरा पाउडर, जीरा पाउडर अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मसाला हमारा भुन गया है, अब यहाँ पे हम डालेंगे 100 ग्राम दही। इससे इतना प्यारा टेस्ट आएगा, उंगलियां क्या हड्डी भी चूस जाओगे। मसाला अच्छे से भून गया है, जो कि मैंने दही डाली थी ना उसके बाद भी देखो कितनी अच्छे से चिकनाई ऊपर आ गई है, सारा सारा ऑयल ऊपर आ गया है। इसका मतलब मसाला बहुत अच्छे से भून गया है हमारा, क्योंकि मटर मशरूम में ग्रेवी अच्छी से बनेगी यही मशरूम की जान होती है। ये जितने अच्छे से हम ग्रेवी को बनाएंगे उतने अच्छे से हमारी सब्जी बनेगी।
मैं इसमें ये जो मटर और मशरूम दोनों इसमें डाल देती हूँ। देखो कितने अच्छे से लिपट गया है ना पूरा मशरूम और मटर। ये जो है इसमें ग्रेवी पतली गाढ़ी अपने हिसाब से रख सकते हैं। हम तो चावल बनाएंगे ना पुलाव उसके साथ खाएंगे तो थोड़ी सी पतली करती हूँ। काफी इतनी बस, और रोटी से भी खा सकते हैं आप। तो मेरे मटर मशरूम बनके रेडी हो गए हैं। देखिएगा कितना प्यारा कलर आया, बहुत ही अच्छे बने हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए निकाल भी दिए हैं खाने के लिए। ये देखिएगा मशरूम कितना अच्छा मशरूम बना है। तो जिस तरह से मैंने बनाया है उसी तरह से आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। इसके साथ है रायता, मट्ठा छुका हुआ और मशरूम, चावल, रोटियां सिकेंगी अभी। तो सो आपको पसंद आया होगा आज का खाना। खा लीजिए मेरे साथ मटर मशरूम और चावल।